ओम शांति। रिलैक्स होकर बैठे, शरीर को एकदम हल्का छोड़ दें। एकदम कंफर्टेबल और धीरे धीरे अपने भ्रुकुटी में देखने का अभ्यास करते भ्रुकुटी के मध्य में चमकती हुई लाइट, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इस देह का मालिक विदेही हूं। मैं प्रकाश का पुंज हूं। अकाल मूरत हूं। इन आंखों द्वारा देखने वाली, इन कानों द्वारा सुनने वाली, इस मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक शक्ति हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा निजी गुण है। शांति मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। शांति की वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल चारों ओर फैल रही है। महसूस करें मेरा शरीर और ये पूरा वायुमंडल एकदम शांत हो रहा है। शांति के इस वातावरण में मैं आत्मा अब उड़ चलता हूं अपने ओरिजिनल घर शांति धाम में।
लाल सुनहरे प्रकाश के बीच मैं पहुंच जाता हूं। मेरा पिता मेरे सम्मुख है। शांति का सागर शिव बाबा, जिसकी मैं संतान हूं, उसके सानिध्य में मैं अपने आप को शांति से चार्ज कर रहा हूं। अनुभव करें इस शांति धाम का और अपने पिता के मिलन का। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मेरा पिता सर्वशक्तिवान है। मैं आत्मा अपने शक्तियों को भूल गई थी, इसलिए स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित होता है, मुझे अपने शक्तियों का एहसास दिलाने। सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। किसी भी परिस्थिति में शांत रहने की शक्ति मुझ आत्मा में है।
मैं शांति की शक्ति से भरपूर हूं। परमात्मा के साथ बिताए हुए ये पल मुझमें एकाग्रता की शक्ति को निर्माण करता है। आह्वान करें एकाग्रता की शक्ति का और अपने सामने जो बिंदी स्वरूप बाप है सिर्फ उसी को देखें। मन में कोई भी संकल्प आए उसे जाने दीजिए। और सिर्फ एक संकल्प, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। सिर्फ ये एक संकल्प मुझमें एकाग्रता की शक्ति को भर देता है। जब मैं आत्मा पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से एकाग्रता से भरपूर हो जाता तब मेरे अंदर दूसरी शक्ति का निर्माण होता है और वो है महसूसता की शक्ति।
पावर ऑफ रियलाइजेशन। परम धाम में, बाबा के सानिध्य में मैं अपने जीवन की यात्रा को देखता हूं। बचपन से लेकर आज तक बहुत परिस्थितियों में मैंने बहुत कुछ गलत किया, अनेक बारी मालूम होते हुए भी उसका समर्थन किया। लेकिन अब कर्मों के खाते बन चुके हैं, बोझ चढ़ चुका है, और इसीलिए इन कर्मों के खातों को शुभ्ध करने के लिए सबसे पहले रियलाइजेशन कि मैंने जो किया जाने अनजाने में किया, लेकिन वो गलत कर्म था। रियलाइज करें अपनी गलतियों को, अपनी कमी कमजोरियों को, और जिन भी व्यक्तियों को अपने जाने अनजाने में दुख पहुंचाया है उन्हें दिल से क्षमा मांगे। चाहे अपने लौकिक परिवार में, चाहे अलौकिक परिवार में, चाहे अपने ऑफिस में, या संबंध संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर थोड़ा भी दुखाया है मनसा वाचा कर्मणा, दुख दिया है, तो उनसे क्षमा मांगी। बहुत बारी मैंने दुख दिया नहीं लेकिन दुख लिया। मैंने अपने आप को दुख दिया
इसलिए मैं स्वयं की भी क्षमा मांगता हूं। ये क्षमा की शक्ति मेरे बोझ को हल्का कर देती है। अब मैं आत्मा हल्का महसूस कर रहा हूं। सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मुझे ज्ञान से भरपूर कर देता है। स्वयं का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ड्रामा का हर एक सीन एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। कोई भी गलत नहीं, सब अपने जगह पर सही है। मैं हर आत्मा को, हर परिस्थिति को वो जो है जैसी है स्वीकार करता हूं। परमात्म ज्ञान का ये चिंतन मुझ में सहन शक्ति को बढ़ाता है। मैं सहन शक्ति से भरपूर हूं। जैसे मैं हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखता हूं, सहन करता हूं, तो मैं हमेशा संतुष्ट रहता हूं।
ये सहन शक्ति से ही मुझ में समाने की शक्ति बढ़ती जाती है। हर परिस्थिति में मैं अपने आप को ढल सकता हूं, एडजस्ट कर सकता हूं। मैं समाने की शक्ति से भरपूर हूं। परमात्मा का ज्ञान हर परिस्थिति में मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है ये सिखाता है, और उसकी एक ही विधि है। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी करे, मुझे सिर्फ अपने आप को देखना है। यही विधि मुझ में विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति अंतर्मुखता की शक्ति डेवलप करता है। जब मैं आत्मा अपने आप को देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि ये मेरे ही दुर्गुण हैं जिनको मुझे छोड़ना है। इस जीवन की यात्रा में मुझे सिर्फ अपने अच्छे संकल्पों को, गुणों को साथ में रखना है। मैं समेटने की शक्ति से संपन्न हूं। शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मुझ पर जमी हुई धूल मिट्टी कमी कमजोरियां बाबा दूर कर रहा है। जैसे ही मैं आत्मा साफ होता हूं, मुझ में परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति डेवलप होती है।
ज्ञान के तीसरे नेत्र से। साक्षी भाव से जब मैं हर परिस्थिति को देखता हूं तो मैं परख सकता हूं क्या सही क्या गलत, और उस अनुसार निर्णय भी ले सकता हूं। मैं आत्मा परखने की शक्ति से, निर्णय करने की शक्ति से संपन्न हूं। जीवन की इस यात्रा पर बहुत सारी परिस्थितियां आती है, उन परिस्थितियों को फेस करने के लिए परमात्मा के सानिध्य में मैं अपने आप में सामना करने की शक्ति अनुभव करता हूं। हर परिस्थिति मेरी रचना है और मैं रचता हूं। इसीलिए कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं है, मैं उसका आसानी से सामना कर सकता हूं। हर परिस्थिति में मेरी विजय निश्चित है। मैं सामना करने की शक्ति से अपने आप को भरपूर कर रहा हूं। जब मैं आत्मा इन सातों शक्तियों से भरपूर होता हूं, तब मैं हर आत्मा के प्रति मनसा वाचा कर्मणा कल्याण की भावना रखता हूं। मैं शुभ भावना शुभ कामना से भरपूर हूं और इसीलिए मैं हर एक आत्मा को सहयोग देता हूं। कोई भी गलत नहीं, ड्रामा में हर एक एक्टर अपना पार्ट निभा रहा है, मुझे सिर्फ उसकी अच्छाई के लिए सोचना है, उसको शुभ भावना देनी है ताकि वो भी सही राह पर चल पड़े, उस आत्मा में भी शक्ति भर जाए,
मैं आत्मा सहयोग की शक्ति से भरपूर हूं। परमात्मा के सानिध्य में अनुभव करें अपने अंदर इन अष्ट शक्तियों का। अब बाबा मुझे बहुत सुंदर दृश्य दिखाता है कि हर एक शक्ति मेरी एक भुजा बन रही है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग देने की शक्ति से मैं संपन्न हूं। मैं अष्टभुजाधारी देवी हूं। देखे अपना स्वरूप अपने सामने, सर्व शक्तियों से संपन्न, ये स्वरूप मैं देख रहा हूं। इसी स्वरूप को धारण करते अब मैं आत्मा मंदिरों में पहुंच जाती हूँ। शिव शक्तियाँ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। अपनी मूर्ति के अंदर अष्ट शक्तियों के साथ मैं विराजमान होती हूँ। कितने भक्त मेरा आवाहन कर रहे हैं, जगदम्बा काली दुर्गा संतोषी माता, ऐसे अनेक रूपों में आज मुझे वो याद कर रहे हैं। परमात्मा से शक्तियां लेकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं आत्मा अब तैयार हूं।
मेरे सामने हजारों भक्त हैं, हर कोई पुकार रहा है, हर कोई दुखी है, कोई न कोई चिंता में परेशानी में है। मैं दिव्य गुणों से, शक्तियों से संपन्न आत्मा अपने मूर्ति की आंखों से सब कुछ देख रहा हूं। मेरे हर भक्त को परमात्मा से मिली हुई शक्तियों का मैं दान दे रहा हूं। इन सभी आत्माओं को सुख मिले, शांति मिले, यही मनोकामना कर रहा हूं। मेरे भक्त कितनी आस्था से, कितनी श्रद्धा से मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी आरती कर रहे हैं। मेरे द्वारा वो अपने पिता को ही याद कर रहे हैं। शिव बाबा सभी आत्माओं का पिता है, वही सबकी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। परमधाम से बाबा मेरी इस मूर्ति पर अनंत सुखों की किरणें बरसा रहा है और मैं आत्मा भी इस मूर्ति की आंखों द्वारा सभी भक्तों को
सुखों से भरपूर कर रही हूं। मेरा हर भक्त हर्षित मुख है, मेरे एक दर्शन से अपनी चिंता अपनी परेशानी भूल चुका है। मैं भगवान का बच्चा दाता हूं, जो कोई भी सामने आए मुझे सिर्फ देना है। अब कोई भी अपेक्षा नहीं, न नाम मान शान या किसी भी स्थूल वस्तु की भी कोई अपेक्षा नहीं। क्योंकि मैं आत्मा गुणों से शक्तियों से संपन्न हूं। बाबा मेरे पूज्य स्वरूप द्वारा कितनी आत्माओं की सेवा करने का ये सुखद अनुभव मुझे करा रहा है। कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं मैं, कि स्वयं भगवान मेरा भाग्य लिख रहा है। और मुझे अनेक आत्माओं का भाग्य लिखने के लिए निमित्त बना रहा है। अब अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते मैं आत्मा वापस पहुंच जाती हूं परम धाम सर्वशक्तिवान के सामने। बाबा की शक्तियों की किरणों के नीचे मैं अपने आप को अनुभव कर रहा हूं। मैं शक्तिशाली हूं, सर्वशक्तियों से संपन्न हूं। मैं ही वो दुर्गा हूं, मैं ही वो काली हूं, मैं आत्मा ही संतोषी माता हूं। ये मेरे ही रूप है और इसीलिए इस दिव्य रूपों को अब मुझे प्रैक्टिकल में लाना है।
अपने दुर्गुणों के ऊपर विजय पानी है। हमेशा संतुष्ट रहना है। मेरी शक्तियों से, मेरे संबंध संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा संतुष्ट हो रही है। मेरा सब कुछ अच्छे से अच्छा हुआ ही पड़ा है। मैं अष्ट शक्तियों से संपन्न अष्टभुजाधारी देवी हूं। इसी स्वरूप को स्मृति में लेकर अब मैं आत्मा अपने साकार शरीर में लौट आता हूं। ओम शांति। शक्ति स्वरूपा तू ही तो है नवदुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा तू है देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति तुझ में बसी जग से रहती है न्यारी वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं ये है संकीर्णता की शक्ति।
पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले, क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। जगत माता तू उनको स्नेह करे, तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानी उदासी से तू है परे, संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, जगाले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति शक्ति।
तू ही है शिव शक्ति।